नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सर सर सांबड़ में। तो दोस्तों, जो भी स्टूडेंट जो है बीएड में प्रवेश लेना चाहते हैं किसी भी इंस्टीट्यूशंस में, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो या फिर गवर्नमेंट सेक्टर, तो किसी भी संस्थान में अगर आप जो है एडमिशंस लेना चाहते हैं, तो वैसे स्टूडेंट के लिए यहाँ पर जो जैसी इसी भी बोर्ड के द्वारा बहुत ही बड़ी खुशखबरी आपको यहाँ पर निकाली गई है। तो नीचे में आप देख पा रहे हो कि आपका यहाँ पर जो पहले की जो आपका बीएड में प्रवेश के लिए जो आपका ऑनलाइन भरने की जो डेट आपको रखी गई थी, आपका 28/3/2020 यहाँ पे रखी गई थी, जो कि आपको जो है नोवेल कोरोना वायरस COVID-19 के लॉकडाउन के कारण जो है आपको स्थगित कर दी गई थी। तो वैसे स्टूडेंट जो अगर आप जो है बीएड में प्रवेश लेना चाहते थे लेकिन COVID-19 के लॉकडाउन के कारण जो है इसका डेट स्थगित होने के कारण जो है अपना फॉर्म को फिलअप नहीं कर पाए थे, तो वैसे इच्छुक अभ्यर्थी जो है बीएड प्रवेश प्रतियोगिता में अगर आप जो है सम्मिलित होना चाहते हैं, तो वैसे स्टूडेंट के लिए फिर से यहाँ पे जो जेसीईसीबी बोर्ड के द्वारा जो है आपका अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पे डेट यहाँ पे निकाल दी गई है। तो अगर आप इच्छुक हैं फॉर्म को फिलअप करने के लिए, तो 3 जून से जो है इसका स्टार्टिंग डेट यहाँ पे रखी गई है, एंड जो लास्ट डेट आपको रखी गई है ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए 6 जून रखी गई है। तो यहाँ पर लगभग जो है आपका 3 से लेकर 4 दिन तक का जो है आपको फॉर्म को फिलअप करने के लिए आपको टाइम यहाँ पे दी गई है। तो आप इच्छुक है बीएड में प्रवेश लेने के लिए किसी भी संस्थान में, चाहे वह प्राइवेट सेक्टर हो या फिर गवर्नमेंट सेक्टर, तो 3 जून से लेकर 6 जून तक जो है इस फॉर्म को जो है आप ऑनलाइन आवेदन करके जो है इसका जो आपका एंट्रेंस कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होने वाला है उसके लिए जो है आवेदन कर सकते हैं। और वैसे स्टूडेंट भी अगर आप जो है 28/3/2020 तक जो है अगर आपने जो है अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड नहीं कर पाए थे COVID-19 के लॉकडाउन के कारण, तो वो लोग भी जो है अपना डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर सकते हैं 6 जून 2020 से पहले। तो अगर जब आपने 6 जून से पहले अगर यहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर लेते हैं, जो कि आपका जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आपका छूट गया था COVID-19 के कारण, तो जो फिर से अपलोड करके जो है इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप जो है अधिक जानकारी लेना चाहते हैं, अगर आप जो है इस फॉर्म को कैसे भरना है इसके बारे में आपका जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में आप जो है कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा कि जो है आप इस फॉर्म को कैसे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, ठीक है।